अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। मेरा नाम शैलेंद्र पाल सिंह है और मैं केपी मार्केट से हूँ और मेरा काम साइबर कैफे और बुक सेलर का काम है। और आज मैं 15 दिन से SDO और एक्सेल साहब के यहाँ पर चक्कर लगाते हुए 15 दिन हो चुके हैं और इन्होंने रात में दुकान बढ़ाने के बाद रात में सारे कलेक्शन काट दिए गए हैं बिजली के। और मेरे पास बिजली का सबूत भी है, मैंने 28 फरवरी 2021 को मैंने पूरा पेमेंट किया है, उसके बावजूद भी मेरे लाइट पूरी कलेक्शन इसलिए काटा गया है कि यहाँ पे जो इन्होंने 10 साल से मतलब मैं बिल भर रहा था उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब गुंडागर्दी दिखा के मतलब बिजली के बिल काट दिए। नहीं कोई सूचना नहीं दी, ना कोई नोटिस दिया, ना कोई नोटिस दिया, ना कुछ दिया। इन्होंने अपने गुंडागर्दी के बल पे इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अंधकार में डाल दिया है। 15 दिन से मतलब जितने भी दुकानदार हैं सारे लोग परेशान हैं, बहुत बुरी तरीके से, 1 रुपये की कमाई नहीं है ना कुछ है। बस हम इतना चाहते हैं कि सब जो चीज़ बातों से हल हो सकती है वो चीज़ सड़क पर ना उतरी जाए, ना कोई धरने पर बैठे। तो इससे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई पूरी तरीके से होके और हमारी लाइट दे दी जाए। इसमें जब हम 10 साल से बिजली का बिल दे रहे हैं तो आज ऐसा क्यों किया गया, किस कारण से किया गया? विद्युत विभाग SDO टुंडला, देखिए इस मामले में शिकायत आई थी हमारे पास कि वो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने उसमें कार्रवाई करी। कार्रवाई के बाद वहाँ के जो भी जिन लोगों ने दुकानें ली हुई हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग बयानामे प्रस्तुत करे हैं, उन बयानों के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है और जल्दी इस समस्या का निस्तारण कर दिया। कागज नोटिस दिए हुए और लाइन काट दी। देखिए इन्होंने आज की डेट में अपने कागज प्रस्तुत कर दिए, पूरा मैप भी प्रस्तुत कर दिया, आज इनका समाधान करा दिया जाएगा। आज की डेट में इनका समाधान करा दिया जाएगा।